खुद को पढ़ता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, जिंदगी का एक पन्ना मैं रोज मोड़ देता हूँ। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में मित्रों आज फिर मैं एक बार आपका स्वागत करती हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैंने ये सही कहा है कि जिंदगी का जो पन्ना है मैं रोज मोड़ देता हूँ। शायद पिछले कल जो हुआ वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, और ये भी हो सकता है कि जो आज है वो कल भी हो सकता है, या फिर आने वाले हर दिन प्रतिदिन वो भी हो सकता है। किताबों के जो पन्ने हैं उनको हम मोड़ते रहते हैं, आज क्या है आज क्या है, और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है जिसे कहते हैं संगीत, वादन, कलाएं। वादन भी संगीत होता है, जिसे हम अपने कुछ जो हमारे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, जिसको हम बजाते हैं वो वादन होता है। हारमोनियम, कैशियो, गिटार, तबला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अपने अपने शौक हैं, लेकिन किसी का एक शौक ऐसा होता है संगीत, सिर्फ सुनना और उस संगीत में खो जाना। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं संदीप जी, जो पिछले 8 या 9 वर्षों से ज्ञान में हैं और अभी 8 वर्षों से सोनीपत में सेवाएं दे रहे हैं, वो भी समर्पित रूप से। जीवन क्या है? समर्पित, किसी के लिए समर्पित कर देना, पर किसी के लिए समर्पित करना साथ ही साथ भगवान के लिए भी समर्पित कर देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आइए इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे और संगीत और गीत वादन के बारे में उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने ये संगीत सीखा, कैसे वो संगीत में सीखने की रुचि रखते हैं। आइए स्वागत करते हैं सुर संध्या के इस कार्यक्रम में संदीप जी का। संदीप जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, ओम शांति। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमार, जैसे आपके यहाँ पे लगाते हैं बीके ब्रह्मा कुमार, आप ये कैसे, ये लाइफ आपने चुनी? बस पढ़ाई से छूट करके जी कुछ हर एक जैसे चाहता है कि कुछ पैसा हम कमाएं, अर्निंग सोर्स अपने लिए, अपने जी परिवार के लिए। तो उस तरह से हम चार पांच दोस्तों का ग्रुप था और हमेशा साथ रह के ही कुछ ना कुछ करना चाहते थे। पढ़ाई किसी की कम, किसी की ऐसी वैसी, किसी ने छोड़ रखी है, जी कुछ ग्रुप ही ऐसा था हमारा। तो फिर क्या था कि नौकरी वगैरह तो कोई कर नहीं सकते, कोई सरकारी जॉब मिल जाए इस तरह से कुछ, तो चाहते थे कि कुछ अपना बिजनेस किया जाए, कुछ कलेक्टिवली ऐसा काम किया जाए जिसमें हम इकट्ठा रहें भी और इकट्ठा कमाएं भी। तो हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया लेकिन कहीं भी इतना कुछ हम कर नहीं सके। तो एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ शहर में मेले लगते हैं, मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, जी तो वहाँ पर पूरे ही हिमाचल में किसी न किसी त्यौहार को लेकर के कुछ न कुछ मेले, बड़े बड़े आयोजन मेले के होते रहते हैं शहरों में। तो हमारे शहर में भी अप्रैल महीने में एक मेला लगता है जी 5 से 7 दिनों तक। तो उसमें जो है सभी प्रकार के एग्जीबिशन लगती है, सरकारी भी, किसानों की भी, हर प्रकार से उसमें होता है। तो एक एग्जीबिशन ब्रह्मा कुमारीज की भी लगी हुई थी उसमें। अच्छा मेले के दौरान मैं तो अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ घूम रहा था, परिवार के साथ हम मेले का एंजॉय कर रहे थे, बाकी दोस्त लोग अलग से थे। तो वो घूमते घूमते प्रदर्शनी वाले स्टॉल में जब गए तो वहाँ ब्रह्मा कुमारीज की उन्होंने प्रदर्शनी देखी। दोस्तों के ग्रुप में से एक भाई जो है, उन ब्रह्मा कुमार एक भाई से संपर्क में थे, तो उनके कहने पर वो स्टॉल के अंदर गए, उन्होंने देखा। तो वहाँ पर 15-20 मिनट उनको प्रदर्शनी समझाई गई, ईश्वरीय ज्ञान समझाया गया। तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी की, पॉजिटिव मेंटिलिटी, वो सब चीज़ें बातें बताई जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया हम इस तरह से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं और हम अभी तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए, सक्सेस उसमें मिल नहीं पाई है। तो हमेशा ही क्या किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप आश्रम पर आइए, आपको राजयोग सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। तो आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, जिससे फिर आप जो भी आप कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट आप उससे ले सकते हैं। तो एक तो फ्री कोर्स सुन करके 7 डेज़ फ्री करना है और फिर हमारा इनपुट जो है और इनपुट लेवल बढ़ेगा, वो सब बातें जो है दिमाग में बैठी और सभी दोस्तों ने निश्चित कर लिया। और एक हफ्ते के बाद लगभग हम आश्रम में चले गए। चले गए। वहाँ जा कर के
उन दिनों मेले की सेवाओं में सेंटर की बहनें काफ़ी व्यस्त थी, क्योंकि एक के बाद एक छोटे छोटे शहरों में वो मेले जो हैं सर्कुलेट होते रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो नेक्स्ट सेवा के लिए बहनें तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ सेवाधारी बहनें आई हुई थी। तो किसी एक की ड्यूटी जो मुख्य संचालिका दीदी होते हैं, उन्होंने लगा दी कि जो आए हुए हैं मेहमान उनसे आप मिलिए। तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम लगभग हमको दिया। वो मिले, उन्होंने बड़े प्यार से हमें पानी वगैरह, चाय वगैरह वो सब खिलाया पिलाया, ऐश्वर्य प्रसाद भी दिया, और परिचय देते उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया 10 मिनट। सारी बातें तो मुझे याद नहीं, बस एक बात मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने बोला कि भगवान धरती पर आ चुके हैं, और पीछे बाबा के चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके तन में आते हैं और इनसे आपको मिलवाएंगे। और मेरा जो है बचपन से ही बड़े लोगों के साथ मिलने का एक उमंग उत्साह उमंग उत्साह रहता है, इच्छा रहता रहती है, है। और सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे वो संपर्क मिलता है, बड़ों का संपर्क मिलता है। तो मेरे दिल में उधर भी ये उमंग जागा कि इतने बड़े हस्ती जिनके तन में कहा कि भगवान आते हैं, और ये बात ना मुझे दिल से स्वीकार होगी, क्योंकि मैं पहले से ही मानता था कि जो कुछ भी भक्ति का सिस्टम है दुनिया में, जिसे भगवान को मानने का, वो कहीं का इम्प्रॉपर सा है, वो सही सिस्टम नहीं है। भगवान जैसे सर्वव्यापी भी मानते हैं, लेकिन मैं बिना कोई ज्ञान के समझता था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। मैं समझता था कि कहीं है और पर्टिकुलर कोई टाइम होगा जब वो आएंगे और मानवों का कल्याण करेंगे। तो उनकी वो बात मेरे को एकदम जच गई, और मेरे दिल में हुआ कि अब तो इनसे मिलना ज़रूर है मैंने। हाँ, ये मालूम नहीं था कि वो प्रैक्टिकली मतलब ऐसे साकार रूप में नहीं है। फिर हमने उनके कहने पर नेक्स्ट डे से 7 डेज कोर्स शुरू किया। तब तो से एक बार आप हाँ, इसमें, और ये मैं संगीत कैसे फिर आपने शुरू कर दिया? आप बचपन से ही संगीत सीखते आ रहे हैं या फिर ऐसे ही दूसरों को देख देख के या सुन सुन के ऐसे ही कुछ लगा कि नहीं मुझे गाना चाहिए? ये बचपन से ही एक गुण मैं कहूँगा है अंदर मेरे, जो परमात्मा की ही कृपा है। जब भी जैसे गीत सुनना, कोई भी गीत, चाहे वो फिल्मी गीत है चाहे कुछ भी है, उसको मैं बड़ी तन्मयता से सुनता था, बड़े दिल से सुनता था। और सुनने के साथ साथ ना वो जो लिखने वाला है, वो लिखने वालों के भाव और जो गाने वाले की भावना है, उनमें मैं डूब जाता था। उस तरह से मैंने गीत को हमेशा सुना है, किसी भी गीत को। और जब भजन भक्ति के गीत सुनता था, उसमें तो मैं ऐसा मतलब गाते गाते जैसे नाचने लग जाता था, बहुत उसमें उमंग उत्साह आ जाता था, खुशी दिल में बहुत बढ़ती थी। स्कूल के दिनों में कुछ कुछ परफॉर्मेंस देते थे, फिर कभी ऐसे प्रोफेशनली सीखने का मौका नहीं मिला। बाकी जब बाबा के ज्ञान में आए, उसके बाद धीरे धीरे सेवा के तौर पर, जब ऐसे छोटे मोटे फंक्शन हो जाते हैं तो परिवार में होता है कि कुछ ना कुछ एंजॉय किया जाए, कोई चुटकुला सुनाए, कोई गीत सुनाए, तो मेरा गीत से सफ़र शुरू। और इसी तरह से आज आप हमारे इस सुसंध्या के कार्यक्रम में आए तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा फॉर्मेट मिल रहा है, और इतनी अच्छी सेवाएं बाबा ने सब तरफ खोली हुई हैं, और लोगों तक बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गीतों के द्वारा, संगीतों के द्वारा पहुंच रहे हैं। तो मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना आज यहां पर आकर। आज आप हमारे दर्शकों को कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं? मैं अभी कार्यक्रम की शुरुआत ही है, जी तो मेरा पंजाबी भाषा के प्रति बड़ा एक स्नेह है, एक प्रेम है, रिगार्ड है। तो एक पंजाबी गीत है जिसके शब्द हैं, रब मिलिया मैनू प्यारा रब मिलिया। जो लिखने वाले हैं वो अपने दिल के भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे भगवान मिल गया है, वो प्यारा प्यारा भगवान मुझे मिला है, जो कुछ उसको पा करके, जो कुछ मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझे मिला। किसने लिखा है ये ये गीत? श्रीमान सुभाष गोयल जी हैं जिन्होंने लिखा, श्री अश्विनी भाई जी, अश्विनी सूदन जी दिल्ली से, उन्होंने इसको सुर दिए हैं और अपनी आवाज़ में पिरोया उनके प्रिय पुत्र गौरव सूदन जी ने, जिनकी ही मैं कहूँगा एक प्रेरणा है, जिसके द्वारा मैं ये गीत गाने की कोशिश करूँगा। आप पंजाबी कह रहे हैं तो शायद इसमें कुछ अच्छा ही हाँ होगा। जी ओके जी, ट्रैक प्लीज। रब
मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया। सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सब मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया। राह दे विच पुछण लौकी खुशी का कारण की, केड़ी तेरी लगी लॉटरी, सानू भी जरदस्ती सही। राहां दे विच पुछण लोकी तेरी खुशी का कारण की, केड़ी तेरी लगी लॉटरी, सानू भी जरदस्ती सही। आणक मेरा हथ उस फड़िया मेरा दिल खिड़िया, आणक मेरा हथ उस फड़िया मेरा दिल खिड़िया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सब मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा दुनिया ने की दिता मैनू दोखे ते रुसवाइया जी, खुशियां देण दे बदले दिते दुखने अते बुराइयां जी। दुनिया ने की दिता मैनू दोखे ते रुसवाइया जी, खुशियां देण दे बदले दिते जी। शिव बाबा नू पाके सच्चा प्यार ते सुख मिलया, शिव बाबा नू पाके सच्चा प्यार ते सुख मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सब मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया। जी हुजूरी करनी आउंदी मन्नांगे गल सारी, लैण न देनी अपने दिल को ओ दीना मुखमारी। जी हुजूरी करनी आदी मन्नांगे गल सारी, लैण न देनी अपने दिल तो गुणा दे फुला नाल सजाया गुण सागर मिलया, गुणा दे फुला नाल सजाया गुण सागर मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलया। रब मिलया मैनू मेरा प्यारा रब मिलया, रब मिलया, रब मिलया, रब मिलया।
बात है, यानी कि आपको लॉटरी गए। कितनी खुशी होती है आपको? बहुत बहुत खुशी होती है जी, परमात्मा को पा लिया, इससे बड़ा भाग्य और क्या। और उसको ना पाया होता तो आज मैं इधर भी नहीं बैठा होता। वैसे देखा जाए तो इस एज में लोग चाहते हैं, हमारे यूथ चाहता है कि मैं ये करूं वो करूं, मतलब बहुत सारे उमंग उत्साह होते हैं, लेकिन आपने तो अपना रोल ही बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, जिस वक्त एक्चुअली मैं कोर्स कर रहा था ना, वो कोर्स करते करते ज्ञान की एक एक सच्चाई और गहराई मेरे दिल पे ऐसी छपती चली गई कि मुझे लगा बस जो कुछ भी है ना सच यही है दुनिया में, बाकी सब कुछ झूठ है, बेमतलब है, बेकायदे है, और क्यों उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। मैंने देखा दीदियां अपना जीवन सफल करके बैठे, उन्होंने पूरा जीवन अपने दुनियावी रीति से जो खुशियां हो सकती थी जीवन में उन सबको कुर्बान करके, त्याग करके परमात्मा के नाम पे जीवन को लगा दिया। वो अपना एक एक पल सफल कर रही है। तो मैंने सोचा मैं अपने जीवन का कोई भी क्षण क्यों वेस्ट करूं दुनिया में, इसीलिए कोर्स करते वक्त ही ये निश्चय कर लिया था कि मुझे समर्पित होना है। बाकी ये अलग बात है कि थोड़ा तो टाइम लगता है धीरे धीरे धारणाओं में उतरने में, वो परिपक्वता, वो समझ, वो सब चीज़ें हुनर में आने का, एक व्यक्तित्व में उसको पिरोने में टाइम लगता है। धीरे धीरे करके 2.5 साल के बाद मुझे सेवा में आने का मौका मिला, और तब से ही बस एक बार मैं घर से निकला सेवा पे और परमानेंट परमात्मा ने अपने घर में स्वीकार कर लिया, और बड़े तब से स्नेह प्यार से शिक्षाएं दे करके चला रहे हैं, और उनकी देख रेख और उनके आदेशानुसार जो कुछ भी ये चल रहे हैं कर रहे हैं, और उन्हीं के बढ़ाने से उन्हीं के सिखाने से आज ये सब भी मौके मिल रहे क्या हैं। बात है, बहुत अच्छी शिक्षाएं आपने ग्रहण की है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक देखकर अपने मन में ये सारा जीवन उतारने की कोशिश करेंगे। अगला गीत कौन सा सुनाने वाले हैं आप? अगला गीत जी बहुत ही सुरीला गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, श्रीमान सुरेश वाडकर साहब का गाया हुआ, जी जिसके बोल हैं मिल गई मंजिल हमारी हम किनारे आ गए। कि कहते हैं ना दुनिया के भवसागर में हम बह रहे थे, डूबे हुए थे, तो उससे निकल कर हम किनारे आ गए हैं, हमें मंजिल मिल गई, परमात्मा मिल गया है, हमें सर्वस्व हमने पा लिए। चलिए सुनते हैं ट्रैक प्लीज। इस पुरानी दुनिया से
बहुत ही खूबसूरत ये गीत। मतलब देखा जाए अगर कोई इंसान अपने जीवन में संतुष्टता को प्राप्त कर लेता है तो ये कहता है कि भाई मैंने अपनी मंजिल को पा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज मिस नहीं रखी है, ऐसा है? कह सकते हैं, बाकी बहुत कुछ अभी तो परमात्मा से पाना है। अभी उसका गुण शक्तियाँ जो कुछ भी खजाने बाबा देता है वो सभी जीवन में धारण करने हैं, उसकी आशाओं को पूर्ण करना है जो परमात्मा हमसे चाहता है। चाहता है आपकी अभी, मतलब ऐसा क्या चीज रह गई है आपको लगता है कि वो, अभी तो ये नॉर्मल एक छोटी सी बात बताई, ऐसी कौन सी चीज है जो रह गई है? बहुत सी बातें हैं जी। देखिए, परमात्मा की तो हमसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। परमात्मा ने कहा है कि सारी दुनिया को संदेश देना है, अपने मन वचन कर्म से सेवा करनी है, अपने चाल चलन चेहरे से सेवा करनी है। तो वो सभी विशेषताएं हैं जो परमात्मा धीरे धीरे व्यक्तित्व में डालता रहेगा, निखारता रहेगा, जिसके द्वारा हम वो मॉडल बन सकेंगे दुनिया के आगे, जो स्वयं परमात्मा हमें हमारे लिए चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने जो उन्हें देख करके ही पता लगे कि ये सचमुच में ही इन्होंने उस परम सत्ता को पाया हुआ है। ये वो विशेष रत्न है जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने हुए हैं, हमसे हमें देख करके ऐसा दुनिया वालों को लगे। तो ऐसी बहुत सी आशाएं हैं जो परमात्मा की भी पूरी करनी रही हैं, जिसके लिए प्रयासरत हैं, और बाबा की मदद से, परमात्मा की मदद से वो भी सब होता रहेगा। सफल होता जी 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 रहेगा। जी, अगला गाना कौन सा गाना गाने वाले हैं आप? अगला गाना एक बड़ा सुंदर संदेश देता है जी, सारी दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति विशेष मानव जनसाधारण के लिए, कि अभी वो समय है जिसके द्वारा हम परमात्मा के नाम पे कुछ भी हम पुरुषार्थ करते हैं, कोई सेवा भी करते हैं, तो वो इतना बड़ा पुण्य प्रदायक वो पल होगा, वो क्षण, वो कर्म होगा, जिसके लिए कहा गया है कि 21 जन्मों का हम जमा कर सकते हैं, कि ऐसी कमाई अभी करने का समय है जो हम 21 जन्मों तक उसका रिटर्न लेते रहेंगे। अभी तो हम दुनिया में बैठे हैं, कुछ भी हमारा इनकम सोर्स है, हम अभी कमा रहे हैं और अभी खाके पूरा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बहुत अधिक कमाता है तो अपनी संतानों के लिए छोड़ जाएगा, परंतु वो सदा के लिए नहीं रह सकेगा, उस आत्मा के साथ निरंतर नहीं रह सकेगा। तो परमात्मा हमें ऐसी कमाई करा रहे हैं जो कि 21 जन्मों तक हमारे साथ रहेगी, बहुत बड़ी प्रारब्ध के रूप में, और उसके बाद भी हमेशा हमें साथ देती रहेगी। तो ऐसे ही ये सुंदर लाइनों से सुसज्जित गीत है जो जी भी पेश करना चाहूँगा। जरूर, मुझे लगता है ज्ञान के साथ साथ मतलब संगीत के साथ साथ, ज्ञान तो है ही पर संगीत के साथ साथ ज्ञान का भी बहुत सारा भंडार है आपके पास। जरूर, वो परमात्मा की दया है जी सब कुछ। सुने अभी, आप रेडी हैं? जरूर, ट्रैक प्लीज।
इस जन्म की आया है बाबा लुटाने। पांच खोटे सिक्के देकर खरीदो, पांच खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। कर लो कमाई 21 जन्म की, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने, आया है बाबा लुटाने। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब पहला गीत था मुझे रब मिल गया, दूसरा था मिल गई मंजिल मुझे, तीसरा है कर लो कमाई 21 जन्मों की। मुझे लगता है आपने ये तीनों गाने में अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, अभी बाकी है। क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही समझ रही हैं शायद। बहुत ही मतलब ये दिल को छूने वाले गीत और अंदर के भाव प्रस्तुत करने वाले गीत हैं। बहुत ही इनमें जिंदगी का सार समाया हुआ है, जिंदगी के भावनाएं समाई हुई है, अनुभव समाए हुए हैं। बहुत ही प्यारे गीत थे बाबा के यज्ञ में, जो हम सुनते रहे हैं पहले भी और अभी भी। आज मैंने इनको चुन चुन के लिया है कि आज मैं इस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, सुर संध्या के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे अपने जीवन को लेके क्या गीत गाना है और अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश देना है जो मैंने अपने जीवन में भरपूर कर लिया है। ऐसा मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी जी, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रही हैं। और मैं बल्कि आपसे भी बहुत प्रेरित हो रहा हूँ कि कैसे मतलब दिल के भावों को आप समझ रहे हैं। क्योंकि क्या है, आपने जो ये गीत संगीत जिस तरह से आपने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सीखा नहीं है, मैं सिर्फ एक सुनता हूँ और सुनने के बाद मैं लिखता हूँ, तो आजकल की जो जनरेशन है ये कहते हैं नहीं मुझे सीखना है, स्पेशल कोर्स करते हैं, मतलब पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। अगर दिल में चाहना हो कुछ सीखने की तो वो ईश्वर जरूर पूरी करता है। आपके मन में ये चाहना थी कि मुझे ये संगीत सीखना है या परमात्मा के प्रति मेरी लगन है तो मैं इसको पाकर रहूँगा, तो वो कहते हैं ना एक मुहावरा है छोटा सा या कुछ एक लेख है, एक कदम तुम पढ़ाओ तो हजारों कदम मैं साथ चलूँगा, तो आपने तो एक नहीं कई कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं संगीत सीख गया हूँ, बस आरजू है कि परमात्मा जो पहले मैं दुनियावी गीतों को या भजनों को सुन करके दिल में खुशी महसूस करता था और पूरा मग्न हो जाता था, मतलब ऐसे ही जब परमात्मा वो खुशी का सागर, वो सुख का सागर जब मिल गया है तो उसके गीतों में भी अंतरात्मा से खो जाऊं, मग्न हो जाऊं। और कोशिश है कि अगर मुझे गाने का मौका मिलता है, भावनाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, तो सुनने वालों को वो भावना में प्रेषित कर सकूं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि आपके ये गाने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे लगे होंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तीनों ही गाने हमारे जीवन को भरपूर करने वाले हैं। मैंने कई बार कह दिया है इस एपिसोड में कि ये तीनों गाने हमारे जीवन को भरपूर करने वाले हैं और कुछ सीखने के लिए हैं। हमारे इस एपिसोड में ये ही नहीं, जो भी पिछले हुए हैं या आने वाले कुछ जो हमारे जो यही सुर संध्या के आने वाले में जो गीतकार आएंगे, जो संगीतकार आएंगे, आपको कोई ना कोई संदेश देते रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इन गीतों से अपने जीवन को आगे की तरफ और बढ़ाते रहेंगे। और अगली कड़ी में फिर से हमारे पास एक नया मेहमान होगा और कुछ गीत होंगे और कुछ भरपूर भरी बातें होंगी। तब तक के लिए दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।